अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी सारी YouTube फैमिली। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो ये सुबह के इस वक्त तकरीबन 5:30 का टाइम है और मैंने सोचा आज क्यों ना दरिया की वाक की जाए, मॉर्निंग जो है अच्छे से शुरू की जाए। तो चलें फिर, मैं अकेली नहीं चलूँगी, आपको साथ लेते हुए चलूँगी। रात को जब हम बाहर वॉक कर रहे थे तो मेरी जो दोस्त हैं उसामा की मामा, मैंने उनसे बोला कि सुबह हम वॉक करने चलेंगे दरिया पे। कहती चलो सुबह दिन चढ़ेगा तो देखेंगे। फिर मैंने उनको जब कॉल की तो वो भी सबक पढ़ रही थी, सूरह यासीन पढ़ रही थी। तो थोड़ी देर बाद उनकी कॉल आ गई, लेकिन तब तक मैं घर से निकल चुकी थी, अभी थोड़ा ही आगे आई थी तो उनकी कॉल आ गई। फिर हम दोनों बातें करते हुए माशाल्लाह से दरिया की तरफ आए। अब ये जो तो यहाँ पे रह के जा चुके हैं उनको तो बहुत मंजर देख के मज़ा आएगा, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये कबूतर देखे कितने प्यारे मुझे लग रहे थे। तो माशाल्लाह से जब मैं निकली इतना सुकून मिला, मैं ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और जैसे ही हम दरिया पे आए माशाल्लाह से आप देख सकते हैं इतना ज़बरदस्त ये हसीन मंजर था यहाँ पे। इतना मेरा दिल खुश हो गया, मैंने कहा हम तो घर से निकलते ही नहीं, हमें घर से निकलना चाहिए, टाइम निकालना चाहिए बिल्कुल के। और ये जो दूर से देख रहे हैं उनको तो बहुत मज़ा आ रहा होगा, जिन्होंने कभी देखा होगा बुक्स में दरियाए सिंध के बारे में पढ़ा होगा, उन्होंने कभी गौर भी नहीं किया होगा कि हम यहाँ को ये जगह को देख सकेंगे। लेकिन देख लें, आप मेरी फैमिली है, जो चीज़ मैं देखूंगी वो आपको भी इंशाल्लाह ज़रूर दिखाऊंगी। अभी सूरज तुलू हो रहा है, सुबह की किरणें हैं, ये देखें कितना प्यारा मंजर है। और यकीन करें इतना मुझे सुकून मिल रहा था, दिल राजी हो रहा था। मैं आपको कह रही हूँ कि इससे ज़्यादा खूबसूरत मंजर आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बातें करते करते हम दरिया पे आ गए, दरिया पे हमने पता नहीं चला टाइम गुजरने का। फिर जब दरिया सारा हमने देख लिया तो वापस आ गए। अभी मैं आपको ओरिजिनल सारा जहाँ पे म्यूज़िक साउंड के साथ दिखाऊंगी, उसमें मेरी वॉइस बिल्कुल नहीं होगी। पहले आप ये ज़रा रास्ता सारा मेरे साथ इंजॉय करें। हम दरिया तक पहुँचे, फिर जब हम वापस आ रहे थे, वापसी पे ये जो T4 वालों के घर हैं ये मुझे नज़र आए, मैंने कहा ये भी व्यू अपने बहन भाइयों को दिखाया जाए। ये तुरबेलक बहुत ही खूबसूरत और पुरसकून सा माहौल होता है, यहाँ पे कोई टेंशन नहीं होती है, सारी टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं, खासकर जब हम दरिया की तरफ जाते हैं। ये वो दरिया है जिसको देखने के लिए लोग तड़पते हैं, दूर दूर से आते हैं, लेकिन अफसोस हम इतने पास रहते हुए भी इस दरिया का नज़ारा नहीं कर सकते हैं, टाइम ही नहीं मिलता। हमने कभी गौर ही नहीं किया कि इस तरफ भी हमें जाना चाहिए। खैर, अल्लाह ताला ने हमारे लिए बहुत खूबसूरत चीज़ें बनाई हुई हैं, फिर जो पास रहते हैं ना उनको शायद इस चीज़ की कदर नहीं होती है। ये देखे कितना सुकून है इस माहौल में, कोई शोर शराबा नहीं है। ये आप टैंकी देख रहे होंगे, ये पंप हाउस की टैंकी है पानी की, जहाँ से पानी सप्लाई किया जाता है हर तरफ। ये बड़े घर हैं, बंगले हैं इस तरफ के, और माशाल्लाह से ये जो नए घर बने हैं इनकी लोकेशन बहुत ज़्यादा प्यारी है। इधर जाके भी बहुत मज़ा आता है, लेकिन हमें अपने घर में ज़्यादा मज़ा आता है क्योंकि अपना घर तो अपना होता है ना। फिर तो ये वापसी का रास्ता है, यहाँ से सीधी सड़क जो है ना आगे टर्न होकर हमारे घर की तरफ चली जाती है। दरिया हमारे घर से कह लें कि 20 से 25 मिनट लगते हैं, तसल्ली से वॉक करते हुए जाते हुए इंजॉय करते हुए, क्योंकि टेंशन के लिए थोड़ी जाना होता है, इंजॉय करने जाना होता है। जब मेहमान वगैरह आते हैं तो इस जगह को बहुत इंजॉय करते हैं आके, लेकिन वही बात हमें भी जाना चाहिए। मेरी बहनें अक्सर कहती रहती हैं जब लाहौर से कॉल आती है, आप ही आप जाया करें ना, टाइम निकाला करें। तो मैं अक्सर उनको कहती हूँ कि टाइम मिलता ही कहाँ है। लेकिन अभी आपको मैं सारा साउंड वो ओरिजिनल भी दिखाऊंगी। आपने ये अभी तो मेरे साथ साथ चलें दरिया पे, तो आपको मैं देखूंगी वहाँ पे जो आपको लहरें हैं, किन्ने हैं, वो सारी मैं आपको जो देख के आई हूँ वो आपको मैं दिखाती हूँ। थोड़ी सी मैंने कहा पहले अपने बहन भाइयों से बातें कर लूँ, तो आपने वो नज़ारा सारा करना है, उसमें आपको बिल्कुल एक सुकून मिलेगा, बिल्कुल आपको फील होगा कि जैसे आप बिल्कुल उसके पास बैठे हुए हैं। अब जब हम घर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं, ये जो राइट साइड पर रास्ता जाता है ये दूसरी कॉलोनी की तरफ जाता है, ये सीधी सड़क हमारे घर की तरफ जाती है। ये यहाँ पे ये जो पानी का फिल्टर कभी लगा था अभी ये भी ख़राब हो चुका है, ये सरकारी काम ऐसे ही होते हैं। अब मैं अपने घर के पास बिल्कुल पहुँच आई हूँ, मैं घर के अंदर जाने लगी हूँ, और आपने जाना नहीं है, आपने पूरा नज़ारा जो है ना आपको वो दिखाती हूँ जो कि मैं देख के आई हूँ। तो दुआओं में मुझे याद रखें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर किया करें, और अपने प्यारे प्यारे कमेंट मुझे ज़रूर किया करें, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। आप मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली, अल्लाह पाक आपको हर दुख दर्द और बीमारी से बचाए और सबको मदीने की ज़्यारत कराए मेरे समेत। और ये जो गली है ये उस तरफ दूसरी कॉलोनी की तरफ जा रही है, ये राइट साइड पे ई साइड ई ब्लॉक है। तो चलें फिर आप वो नज़ारे करें, मिलते हैं फिर।